की जो पलायन आज तीव्रता से बढ़ रहा है और सबका मोह भंग हो रहा है अपनी खेती, अपने जंगल जमीन, अपनी जैविक खेती पशुधन के प्रति, तो हमने उसके लिए पिछले 5 सालों से किसान कार्यक्रम की शुरुआत करी है। किसान कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिसमें हम जो हमारे युवक युवतियाँ हैं, उन जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपने मिट्टी से जुड़े हैं, उनका कैसे सम्मान बढ़े, क्योंकि आज सबका ध्यान पेंच की तरफ पलायन करना है, दिल्ली बम्बई आगे आगे की तरफ। तो आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि हम काम न करें, खेती से न जुड़े, मिट्टी से न जुड़े, पशुधन का काम न करें और सब हम पलायन करें, तो उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हमने जो जो कर्मठ लोग हैं, जो खेती से जुड़े हैं, जो पशुधन से जुड़े हैं, उनको हमने सम्मानित करने का पिछले 5 साल से काम किया। और आज उस काम को देखते हुए हमारे जो युवक युवतियाँ हैं, हमारी माताएं हैं, उनको सम्मानित करते हैं, वो प्रेरित होकर के नई पीढ़ी उसे प्रेरित होती है और अपने मिट्टी से जुड़ रहे हैं अपने, और उससे पलायन कम हुआ है और अपने तमाम वो अपनी आजीविका, अपना अपनी रोजी रोटी अपने खेती से, अपने पहाड़ से जुटा रहे हैं और स्वावलंबी होकर के जीवन यापन कर रहे हैं। साथ इस वर्ष का किसान कार्यक्रम जल्दी ही शुरू होने वाला है और हमारे जो भी अपने जल जंगल जमीन अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम किसान कार्यक्रम से जुड़ें और हमको सहयोग करें, मदद करें उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन कर्मठ युवाओं के लिए जो किसान कार्यक्रम से जुड़े हैं, पुरस्कार पा रहे हैं और औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कार्य में जुड़े, हमारी बात को दूर तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, अपने पर्यावरण से जुड़ सकें। और सबसे बड़ी बात है वो माँ, वो बहन, वो भाई जो कर्मठ है, किसान है, गाँव में रहकर अपनी आजीविका बेहतर तरीके से कर रहा है और उनको प्रेरित कर रहा है, उससे जुड़े, उसके काम के सम्मान के लिए जुड़े, जो किसान सम्मान जो हम कार्यक्रम करते हैं उससे जुड़े, और शायद तभी एक अच्छे उत्तराखंड की हम कल्पना कर सकते हैं और हम सशक्त तभी होंगे जब हम खुद अपने काम से जुड़ेंगे, अपने मिट्टी से जुड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।